mm -hmm. प्रिय मित्रों मैं आपका दोस्त गणेश आहवाड़ अब सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी कहानियां हमें हैरान कर देती हैं ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के आईटी सिटी पुणे से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर जेजुरी में स्थित है प्रसिद्ध जेजुरी गढ़ तक बाय रोड आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडट की बसें महाराष्ट्र के सभी प्रमुख स्थलों से जेजुरी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं इसके अलावा कैब टैक्सी और प्राइवेट वाहनों से जेजुरी गढ़ तक जा सकते हैं जेजुरी शहर ट्रेन के माध्यम से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जेजुरी गढ़ के पास ही जेजुरी रेलवे स्टेशन है इसके अलावा मंदिर से पुणे रेलवे स्टेशन पचास किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जगह महाराष्ट्र के कुल देवता खंडोबा मंदिर के लिए दुनिया भर में मशहूर है मंदिर के पास पूजा साहित्य और हल्दी भंडारे की कई सारी दुकानें हैं इसके अलावा भक्त निवास और भव्य पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है यहाँ हर साल दशहरे पर होने वाले हल्दी भंडारा उत्सव को मनाने दूर दूर से लोग आते हैं इस दौरान हल्दी से पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है इसके अलावा यहाँ बयालीस किलो की तलवार उठाने की प्रतियोगिता होती है खंडोबा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर मल और मणि राक्षस के अत्याचार बढ़ने के बाद उन्हें खत्म करने भगवान शिव ने मारतंड भैरों का अवतार लिया था यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर है यहां पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 200 सौ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं चढ़ाई करते समय मंदिर के प्रांगण में स्थित दीपमाला का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है यहां होने वाले हल्दी उत्सव से पहले खंडोबा भगवान की शोभायात्रा निकाली जाती है इस मंदिर में विराजमान देवता को भगवान खंडोबा कहा जाता है उन्हें मारतंड भैरो और मल्हारी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जो भगवान शिव का ही दूसरा रूप है भगवान खंडोबा की मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में है उनके हाथ में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी सी तलवार है खंडोबा मंदिर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है पहला भाग मंडप कहलाता है जबकि दूसरे भाग में गर्भगृह है जिसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है हेमाड़पंथी शैली में बने इस मंदिर में पीतल से बना एक बड़ा सा कछुआ भी है इसके अलावा मंदिर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई हथियार भी रखे गए हैं दशहरे के दिन यहाँ भारी भरकम तलवार को दांत के सहारे अधिक समय तक उठाए रखने की एक प्रतियोगिता भी होती है जो बहुत प्रसिद्ध है मान्यता है कि धरती पर मल और मणि नाम के दो राक्षस भाइयों का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था जिसे ख़त्म करने के लिए भगवान शिव ने मारतंड भैरों का अवतार लिया था कहते हैं कि भगवान ने मल्ला का सिर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था जबकि मणि ने मानव जाति की भलाई का वरदान भगवान से मांगा था इसलिए उसे उन्होंने छोड़ दिया इस पौराणिक कथा का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है सदानंदाचा यलकोट यलकोट येलकोट, 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 येलकोट जयमल्हा, खंडोबा खंडोबाच नावान चांगभल ऐसा नाम गज करते हुए और हल्दी भंडारा खोबरा हवा में उछालते हुए भक्तगण खंडोबा मल्हारी महालसाकांत का दर्शन एवं आराधना करने जेजुरी आते हैं जेजुरी गढ़ के पास पवित्र करा नदी है वहाँ का स्नान अति पवित्र माना जाता है नए जेजुरी गठ के पीछे ऊंची पहाड़ी पर कड़े पठार नाम का खंडोबा भगवान का मूल स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ों में से दुर्गम रास्ता पार करना पड़ता है जेजुरी में आने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कुछ लोग घर पर शुभ मंगल कार्य शादी विवाह आदि करके भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं कुछ लोग नियमित रूप से कुलधर्म कुलाचार करने आते हैं और कुछ लोग भगवान से नवस मनोकामनाएं करने आते हैं और नवस मनोकामनाएं पूर्ण होने पर नवस का भुगतान करने के लिए आते हैं इसके साथ साथ नए युग में पर्यटन स्थल के रूप में आने वाले भक्तों की संख्या का अनुमान करना भी असंभव है जेजुरगढ़ के आसपास का परिसर हल्दी भंडारे के पीले रंग से जगमगाता है इसलिए इसे सोने की जेजुरी के नाम से जाना जाता है तो कुछ लोग दिए दिवटी लेकर वाघिया मुरड़ई से जागरण गोंधट करने आते हैं जेजुरीगढ़ और कड़े पठार पर चंपाशिष्टी या सोमवती अमावस्या पर लाखों भक्तों की भीड़ देखने मिलती है दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं धन्यवाद